عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. بڑے عرصے کے بعد ایک سال ڈیڑھ ہو گیا اس طرح سرکار کے غلام جڑ کے بیٹھے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کرونا مصیبت سے مستقل ہمیں نجات عطا فرمائے. یہ شعر بلند آواز سے پڑھیں گے نا تو یہ پیغام بھی جائے گا بھائی ٹائم بتیرا ہو گیا لیکن اسی اپنا سبق بھولے نہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا. باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آواز ہمیں تو نہیں آ رہی لیکن جن کو سنانا ہے وہ تو سن رہے ہیں نا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشارم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین
बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ान की कदर, बड़ी मोहब्बत और अकीदत से हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज मुशर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी के लिए और जुमा की अदायगी के लिए तशरीफ़ लाने वाले हुज़ूर फैज़ आलम के तमाम ग़ुलाम ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यू टी वी के ज़रिए पूरी दुनिया के नाज़रीन नाज़रात, माओं बहनों बेटियों मस्तूरात, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबकी खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना मुबारक हो। ये वो महीना है जिसके सदक़े से अल्लाह ने कायनात को सारी बहारें अता की, सारी रहमतें अता की हैं, सारी मेहरबानियों के दरवाज़े कुशादा किए हैं। मैंने आज के इस मुख्तसर वक्त में नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करनी है। तरतीब मैंने जानबूझ के थोड़ी बदल दी है, वरना होना तो ये चाहिए था कि पहले बात सूरत की हो फिर सीरत की हो। पहले बात सूरत की हो फिर सीरत की हो, इसलिए कि सूरत पहले होती है, सीरत बाद में होती है। मेरा उसलूब चलते चलते बात को मोहब्बत के साथ समझा देना है। जुमलों पे ज़रा और तवज्जो फरमाएं। होना तो ये चाहिए था कि हम इस जुमे सूरत मुस्तफ़ा पे बात करते, अगले जुमे सीरत मुस्तफ़ा पे करते, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ी तरतीब बदली है, वरना जो फितरती तरतीब है उसके मुताबिक सूरत पहले है सीरत बाद। और अगला जुमला भी सुन लें, लोग बड़ा जोर लगाते हैं सीरत पे, लगाना चाहिए, अच्छी बात है, मकसूद है, कोई अर्ज नहीं, लेकिन मोहब्बत वाली समझने की बात यह है कि बंदा जब सूरत का दीवाना हो जाए ना, बंदा जब किसी की सूरत का दीवाना हो जाए फिर सीरत पे अमल तो मुश्किल ही नहीं आता। क्या ख्याल है? और अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी कानून है, कुदरत यही था, उसने पहले सूरत दिखाई, उसने पहले सूरत दिखाई और फिर अगला सबक सीरत का पढ़वाया। इस बाहमी ताल्लुक को अगर समझ लिया जाए, इस बाहमी ताल्लुक को सूरत और सीरत के आपस के इस मजबूत और फितरती नेचुरली रिलेशन और कंबिनेशन को समझ लिया जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सारी अबहास के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। और ये मेरा और आपका एजाज है, आले सुन्नत व जमात का पूरी दुनिया में ये एजाज है। कौन सा एजाज है? हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की सूरत की बात भी करते हैं, सीरत की बात भी करते हैं, हम दोनों की बात करते हैं, दोनों का जिक्र करते हैं। यह आले सुन्नत व जमात की पहचान है। यही वजह है कि जब माह रबीउल अव्वल शरीफ आता है, माह रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मीलाद के जो नगमे हैं, जो मीलाद की खुशियां हैं, उन पे खास तौर पे फोकस किया जाता है। और चीजें रिकॉर्ड पर रहती हैं, हमेशा रहती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात अर्ज कर दूं,
ये मैं अवामी जो कई जगह मैं खिताबात के लिए जाता हूँ वहाँ मैंने काफ़ी दफ़ा की है, आज यहाँ भी कर रहा हूँ, वो ये है कि 11 महीने सीरत के नाम पे हम तुम्हारे साथ हैं ना, 11 महीने सीरत के नाम पे हम तुम्हारे साथ हैं, और एक महीने सूरत के नाम पे साढ़े नाल आ जाए ना, और मिलादे मुस्तफा का जो टाइटल है, मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उन्वान है, वो उन्वान ही इस बात को बता रहा है कि जिक्र मुस्तफा को विलादत मुस्तफा से शुरू करो। जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत मुस्तफा से शुरू करो। और ये बात तो मैंने चलो जरा आसान करके थोड़ा मुताद होके चलो कह दिया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र को विलादत से शुरू करो, वरना उस्ताद से पूछो ना, अगर आशिकों से पूछो और दलील के साथ पूछो तो वो फिक्र मुस्तफा को विलादत मुस्तफा से नहीं, उससे भी बहुत पहले शुरू करते। मुझे ऐसे लग रहा है कि जब ऐसे नेड़े ना गल समझ आती, भी पिछलन को नहीं आ रही। गुलामान मुस्तफा, उशाकान मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा को सीरत मुस्तफा 40वें साल से नहीं, और समझ आई कोई ना, 40वें साल से नहीं, जरा पीछे आके विलादत मुस्तफा से, बल्कि विलादत मुस्तफा से नहीं, उससे बहुत पहले, उससे बहुत पहले, इतना पहले कि पहले से भी पहले, इतना पहले कि पहले से भी पहले, फिर उस पहले से भी पहले। और अगर मैं यूं करूं तो पहला जिक्र खुदा का, पहला जिक्र खुदा का, पहला जिक्र खुदा का, दूसरा जिक्र मोहन बाब सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा का, वहां से शुरू करो। ये उशाक का, हुजूर के गुलामों का, ये हुजूर से मोहब्बत करने वालों का, ये वारिस्ता रहने वालों का, ये कुर्बान होने वालों का, ये निथार होने वालों का, ये सब कुछ मिटा देने वालों का, ये अकल को भी हुजूर के कदमों पर बिछा देने वालों का, तन मन धन सब कुछ मिटा देने वालों का तरीकाकार ये है कि जिक्र पहला खुदा का, उसके बाद महान दूसरा जिक्र मुस्तफा का। इसलिए इस बहस और झगड़े की कम से कम अब जरूरत नहीं होनी चाहिए, इस उलझन में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि तवज्जो सिर्फ हुजूर के जिक्र पे रखनी चाहिए, हुजूर के शमाइल पे, हुजूर के खसाइस पे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन अजमत व कमालात पे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन शानों पर, उन कमालात पर, उन एजाजात और मोजजात पर, उन खसाइस पर कि जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंबिया की सफ और रसूलों की सफ में नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को सबसे ऊंचा, सबसे आगे किया हुआ। मैंने दो आयतें पढ़ी हैं बतौर उन्वान, थोड़ी सी तवज्जो उस पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, अलबत्ता तहकीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की जात में फी रसूलिल्लाह, तवज्जो है जुमले में। मैं एक तफसीरी बात करने लगा हूं और जाहिर है कुरान से कर रहा हूं, कुरान से बरकत लेते हुए और बारगाह गंज बख्श का फैज लेते दे। फी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल में, क्या मतलब? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में, हुजूर अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी, हुजूर की शख्सियत में। यहां कोई तवज्जो तलब एक सवाल है, आयत के इस लफ्ज में जो बिल्कुल सीधा साधा सरी है, किसी जगह कोई तख्सीस है, किसी जगह किसी एहतमाल को, किसी चीज को अल्लाह ने खारिज किया है, निकाला है? नहीं निकाला, उम्म रखा है। फी रसूलिल्लाह, फी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैंने जो बतौर तमहीद बात की है, इस आयत से दलील और बरकत यह है कि अल्लाह का फरमान, अल्लाह का फरमान और मुस्तफा की शान इस लफ्ज में यूं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहा है कि आप सुनने वालों, ऐ मेरे महबूब की रिसालत और नबूवत पे ईमान रखने वालों, अपने आप को मेरे महबूब और मेरे नबी और मेरे रसूल का उम्मती कहलाने वालों, अपने आप को मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ने वालों, पहला ऐलान तो ये सुन लो, फी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। क्या मतलब? वो मेरे रसूल का बचपन हो या लड़कपन हो या जवानी हो या सुबह हो या शाम हो या जलवत हो या खलवत हो या घर हो या बाहर हो या सफर हो या हसर हो, घर में हो या मस्जिद में हो, मक्के में हो या मदीने में हो, सवारी के ऊपर हो या पैदल चल रहे हो, सो रहे हो जाग रहे हो, बोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी तफीत में हो, किसी भी जगह पर हो, उम्र मुबारक के किसी भी हिस्से में हो, तुमने इस चक्कर में नहीं बनना कि 40 साल के बाद देखना है या पहले देखना है, घर में देखना है या बाहर देखना है, सोते हुए देखना है या जागते हुए, किसी भी हाल में अगर तुम्हें अपनी जिंदगी के किसी भी काम में, किसी भी मामले में, उम्र के किसी भी हिस्से में, किसी भी मंसब के लिए, किसी भी मकाम के लिए, किसी भी काम के लिए अगर तुम्हें रहनुमाई की गाइडलाइन की जरूरत है, फिर रसूलुल्लाह, मेरा रसूल काफी है, मेरा रसूल काफी है। मैं अपने इस, ये जो मैंने अखज किया है बरकत लेने के लिए, इस पर कुरान करीम की एक और आयत जो मैंने खुतबे में पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, हमने जिस रसूल को भी भेजा, अगर तनवीर तनकीर के लिए हो तो तमाम रसूल इसमें शामिल हैं, और अगर ताजीम के लिए हो तो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, कि हमने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को किस लिए भेजा, इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का हुक्म यह है कि मेरे रसूल की पैरवी करो, खत्म, मेरे रसूल की पैरवी करो, मेरे रसूल की इत्तबा करो, मेरे रसूल की इताअत करो, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का आर्डर है,
अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि मेरे महबूब की इताअत करो, मुता मुतलक सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात है। क्या मतलब? तुम उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आए हाय, तुम उम्र के किसी भी हिस्से में हो, तुम किसी भी किस्म के हालात में हो, तुम किसी भी रूए जमीन पर किसी भी खित्ते में बसने वाले हो, तुम्हारा रंग कोई है, तुम्हारी जुबान कोई है, तुम्हारा कल्चर कोई है, तुम्हारी उम्र कोई है, तुम्हारा मास्टर कुछ भी है, तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, जिस उम्र में हो, फी रसूल अल्लाह। देखें, कोई तारीख चलती है सिर्फ जवानों के लिए, कोई मूवमेंट चलती है सिर्फ लेडीज खवातीन के लिए, कोई हुकूक की बात करता है, हुकूक निस्वा की बात करता है, सिर्फ औरतों के हुकूक का झंडा लेके खड़ा हो जाता है, कोई मर्दों के हुकूक का लेके खड़ा हो जाता है, कोई मजदूरों के हुकूक का झंडा लेके खड़ा हो जाता है, कोई असाफा के हुकूक का झंडा लेके खड़ा हो जाता है, कोई हुकूमत के हुकूक का झंडा लेके खड़ा हो जाता है। अल्लाह अकबर, कायनात में अल्लाह ने सिर्फ मेरे और आपके महबूब को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अकेली जात बना के भेजा है। बच्चों के हुकूक की बात हो, कोई बड़ों के हुकूक की बात हो, कोई जवानों के हुकूक की बात हो, कोई औरतों के हुकूक की बात हो, कोई बेटियों के हुकूक की बात हो, कोई बीवियों के हुकूक की बात हो, कोई मां बाप के हुकूक की बात हो, कोई लीडरों के हुकूक की बात हो, और मजदूरों के हुकूक की बात हो, गुलामों के हुकूक की बात हो, और तो सही जानवरों के हुकूक की बात हो, हैवानात के हुकूक की बात हो, जमीन पर चलने वाले चरण परिंद, हवाओं में उड़ने वाले चरण परिंद, हैवानात की, और तो और सही हशरातुल अर्द, जमीन पे चलने वाले कीड़े मकोड़ों के हकूक की बात हो, अगर तुम्हें उन हकूक की बात करने वाला कायनात में रूए जमीन पर अगर कोई वाहिद लीडर मिलेगा तो जाते मुस्तफा की, कोई और नहीं। फी रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फायदा और भी मिलता है इससे, तफसीर से एक बरकत और भी मिलती है। ये जो पहली मैंने कैफियत बयान की ना, वो खारजी है, अमल करने वालों के लिए है, इत्तबा करने वालों के लिए है, मानने वालों के लिए है, कलमा पढ़ने वालों के लिए है। उनकी कैफियत, उनके हालात, उनकी उम्र, उनके जज्बात, उनके ख्यालात हर एक के लिए है। कायनात में ऐसा कौन सा लीडर है, ऐसा कौन सा रहनुमा है, ऐसा कौन सा महबूब है, ऐसा कौन सा मुहिब है ऐसा कौन सा लजपाल है, ऐसा कौन सा रखवाला है, ऐसा कौन सा संभालने वाला है, ऐसा कौन सा पूछने वाला है, ऐसा कौन सा फिक्र करने वाला है। आए आए आए। ऐसा कौन सा फिक्र करने वाला है, ऐसा कौन सा प्यार करने वाला है, ऐसा कौन सा मोहब्बत करने वाला है, ऐसा कौन सा हरीस है, ऐसा कौन सा रऊफ है, ऐसा कौन सा रहीम है कि जिसे तेरे बचपन की भी फिक्र है। हाय हाय। जिसे तेरे बचपन की भी फिक्र है, जिसे तेरे जवानी की भी फिक्र है, जिसे तेरे लड़कपन की भी फिक्र है, जिसे तेरे बुढ़ापे की भी फिक्र है, जिसे तेरी जिंदगी की भी फिक्र है, जिसे तेरी मौत की भी फिक्र है। हाय हाय हाय। जो तुझे जीने का उसलूब भी सिखाने के लिए फिक्रमंद है, जो तुझे मरने के तरीके सिखाने के लिए भी फिक्रमंद है, जो तुझे जमीन पे रहते हुए इस बात की फिक्र करता है कि तू है तो इंसान लेकिन ऐ मेरे उम्मती, ऐ मेरे उम्मती, आ जाना मेरे दामन में, आ जा मुझसे मुंसलिक हो जा, मुझे तेरी दुनिया की फिक्र नहीं है, मुझे तेरी कब्र की भी फिक्र है, मुझे तेरी हशर की भी फिक्र है, मुझे मैदान हशर में तेरे सवालातों जवाब की भी फिक्र है, मुझे तेरे पुरसरात से गुजरने की भी फिक्र है, मुझे मीजान के तेरे अमाल के तुलने की भी फिक्र है, मुझे तो जन्नत में जाने के बाद भी तेरी फिक्र है।
ऐसा, ऐसा कोई है कायनात में? ऐसा कायनात में कोई है? बाप को फिक्र सिर्फ इसलिए होती है मेरे बाद मेरा नाम बाकी रहे, मेरा बुढ़ेपा सौखा हो जावे। क्या ख्याल है? और क्या होगा दुनियादारी के हिसाब से? बीवी को अपने शोहर से, शोहर को अपनी बीवी से, औलाद को अपने माँ बाप से, माँ बाप को अपनी औलाद से, बहन को भाई से, भाई को बहनों से, रिश्तेदारों को अपने बड़ों से, बड़ों को छोटों से, मुलाजिम को अफसर से, अफसर को मातहतों से, लीडरों को अपने वोटर्स से, वोटर्स को अपने लीडर से, जहां भी मोहब्बत होगी, जहां भी वास्ता होगा, कोई ना कोई घर सा लालच जरूर होगा। मैंने सही कहा? आप मेरे साथ ही हो ना? मैं तो तसव्वुरात की दुनिया में कहीं और पहुंचा हूं। हाँ, समझ आ गए? हर एक को दुनिया में, हर एक को, हर रिश्ते में, हर रिश्ते में गर्ज है, लालच है, को मकसदियत है, खुदगर्जियत है, नमूदो नमाइश है, दिखलावा है, कोई ना कोई काम जरूर है कायनाते अर्जी और समावी में, कायनाते अर्जी और समावी में। एक जात ऐसी है, एक जात ऐसी है जो तुझसे प्यार भी करती है, तुझसे मोहब्बत भी करती है, तेरी फिक्र भी करती है, तेरे रखवाले भी करती है। आए है जब तू किसी और दर का ना रहे ना, हाँ, जब तू किसी और दर का ना रहे, वो अपने दर को खुला रखता है। जब सारे तुझे रद्द कर दे, वो अपने दर को खुला रखता है। जब सारे तुझे धकेल दे, उसकी शजाहत तुझे अपने दामन में ले लेती है, उसकी शफाअत तुझे अपने दामन में ले लेती है। और मैं हैरान होता हूं यार, हमसा से हकार कौन, उनसा शफी है कहां? हाय हाय हाय, हमसा से हकार कौन, उनसा शफी है कहां? फिर वो तुझको भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है? और तो और सही, मैदान महशर में हर एक अपनी अपनी पड़ी होगी। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतीही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़न शअनुन युग्नी। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन उस मैदान महशर में आए आए, जहां हर एक को, और जिनके लिए तूने जवानी लुटा दी, जिनके लिए तूने पैसा लुटा दिया, जिनके लिए तूने आराम कुर्बान किया, जिनके लिए तूने हलाल हराम की तमीज खत्म कर दी, जिनके लिए तूने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज वो तुझे देखकर मुंह बदल के, मुंह फेर के दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस मैदान माशर में भी एक हस्ती ऐसी होगी जो ढूंढ ढूंढ के बुला रही होगी, जो ढूंढ ढूंढ के तुझे बुला रही होगी, पता कर रही होगी, बुलवा रही होगी कि पता करो मेरा उम्मती कहां है। और फिर एक एक नफीस बात अता हुई, लिवाए हमद है ना, लिवाए हम झंडा है नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम को अता होगा, हुजूर अलैहि सलातो व सलाम को अता होगा। अच्छा, किसी जगह तो दूर बंदा आ रहा होवे ना, तो पता ना चले भाई यार केड़ी जगह, तो झंडा लगा होवे ना, कोई नहीं समझे, झंडा लगा हुआ है ना, पता चल जाता है बतौर निशानी के मेरे और आपके महबूब ने मैदान मशर भी कम सौखा कर देता, काम आसान कर दिया है। काम आसान कैसे कर दिया है कि उम्मतियो किसी को पूछने भी तो लोड़ नहीं। लवाए हमद वो अलामती निशान, वो झंडा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देखते जाओ इकट्ठे होते थे। फी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बरकत इससे तफसीरी ये मिली है, वो ये है कि दुनिया में तुझे बहलाने वाले, तवज्जो है जुमलों पे जरा ध्यान देना, दुनिया में तुझे बहलाने वाले, तुझे मायल करने वाले, तुझे वरगलाने वाले, तुझे लूटने वाले, तेरे अकीदे को खराब करने वाले, तेरे ईमान और अकीदे को खराब करने वाले, तेरे अमल और किरदार को बर्बाद करने वाले बेशुमार निजाम होंगे, बेशुमार लोग होंगे, तुझे अपनी तरफ खींचेंगे, बुलाएंगे,
किसी का ताल्लुक दुनिया से होगा और किसी का नाम कोई दीन के नाम पे लूट रहा हो। हाँ, माजरत के साथ। दीन के नाम पे लूट रहे होंगे, दीन के नाम पे। नुस्खा एक छोटा सा बता दूं, आज अता हूं, अदब वाली बात, मोहब्बत वाली बात, मोहब्बत वाला पैगाम। बेअदबी नहीं करनी। क्या नहीं करना? जरा बोलो जोर ना। बेअदबी, बेअदबी। अजकल के दौर जो फितने चल रहे हैं ना जी, उन्हें चो बचण का नुस्खा, उनसे बचने का नुस्खा। क्या? बेअदबी। बेअदबी की दी बला। हर वो शह, हर वो फर्द, हर वो शख्सियत जिसकी निस्बत मुस्तफा से है, जिसकी निस्बत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वो दी बेअदबी, उसकी बेअदबी। क्या मतलब? औलिया अल्लाह, वली कामिल, औलिया अल्लाह, बेअदबी। जरा बोल दो बेअदबी, क्योंकि इनकी निस्बत मुस्तफा से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी निस्बत मुस्तफा से है। हुजूर के अहले बैत, सरकार के अहले बैत, इनकी निस्बत किन से है? नबी पाक अलैहिस्सलाम से। बेअदबी बोल दो। और हुजूर के असहाब, असहाबे रसूल, असहाबे रसूल, उनकी निस्बत भी किन से है? मुस्तफा करीम से है। तो बेअदबी ये हुजूर फैज आलम की बारगाह का लंगर है, इन फितनों से निकलने का हल है। बेअदबी नहीं कर फी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बात कर रहा था। तुझे लुभाने वाले, तुझे गुमराह करने वाले, डिट्रैक्ट करने वाले, दुनिया के बहुत सारे मामलात होंगे, दीन के नाम पे बहुत सारे फसादात होंगे। फी रसूलिल्लाह, फरमाया इधर उधर नहीं तकना। हाय हाय हाय, इधर उधर नहीं देखना, तवज्जो कहीं और लेके नहीं जानी, न किसी निजाम की तरफ, न किसी निजाम की तरफ, न किसी फर्द की तरफ, किसी और की तरफ ध्यान नहीं करना, किसी और की तरफ ध्यान नहीं लेके जाना। फी रसूलिल्लाह उन्हें जाना, इसका मतलब यही है ना, फी रसूलिल्लाह उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल्हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। फी रसूलिल्लाह का मतलब उन्होंने नहीं समझाई तो और समझा दे। अब मेरी निगाहों में फी रसूलिल्लाह, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। क्यों भाई, क्यों नहीं जचता? जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। ये मतलब है फी रसूलिल्लाह का। हमारे एक पीर भाई हैं, साल शरीफ से मुंसलिक हैं, कारी साहबजादा मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, बर्मिंगम में। उनका जवान साल बेटा फौत हुआ, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे, कारी साहब को सब्र अता फरमाए। मैं उनके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए गया, अभी तीन चार दिन पहले गया हुआ था। तो उन्होंने अपने मुर्शिद का जिक्र शुरू कर दिया, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रदी अल्लाह ताला। हम गए थे उनकी बेटी की ताजियत के लिए, और अगर हम उनके पास आधा घंटा बैठे
तो 25 मिनट उन्होंने बात अपने मुर्शिद की तो 5 मिनट गलां में पुत्र दी की थी कि हाफिज कुरान सी बड़ा कुरान सोना पढ़ता सी ते क्रिकेट बड़ी चंगी खेलता वट एवर जो भी उसकी अच्छी खूबियों का सब का जिक्र किया 5 मिनट तो जो जुमला तुम सुना उनका जुमला यह है फरमाते मुफ्ती साहब जब से उनको देखा है जब से उनको देखा है यानी हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन को फरमाते खुदा की कसम उनके बाद नजरों में जचाई कोई नहीं। मैंने उससे जो बरकत हासिल की मैंने कहा यह शान है खिदमतगारों की, यह शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, क्या ख्याल है। गुलामों ने गुलामों को जिन्होंने देख लिया है उनकी नजर में कोई और नहीं जचता, जिन्होंने मुस्तफा करीम के जलवों को देख लिया है, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत को पा लिया है, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और हुजूर के इश्क को अपने दामन में सजा लिया है, वो क्यों ना कहेंगे कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, फी रसूलिल्लाह, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं। अगले जुमले पे भी बात कर लेते हैं, उस्वतुन हसना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में उस्वा हसना है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस पर गुफ्तगू करते हुए एक बात फरमाई है, आप फरमाते हैं कि उस्वा की जो सिफत है ना, अल्लाह ने हसना फरमाई है, उस्वा की सिफत हसना फरमाई है, हालांकि और भी कई सिफात इसकी सिफत बन सकती थी, उस्वा कामिला भी हो सकता था, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन कामिलतुन, और भी कई सिफात बन सकती थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया उस्वा हसना, हाय हाय उस्वा हसना, और कई फवायद के साथ एक फायदा, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज हमारी जवान नस्ल, बदकिस्मती से और कई चीजों को और कई पर्सनैलिटीज को उन्होंने आइडियलाइज किया हुआ है, वो अपने गेटअप में, अपने वज़ाकता में, अपने लिबास में, अपने खाने पीने में, अपने उठने बैठने में, अपने रस्म रिवाज में, अपने शादी ब्याह में, अपनी तकरीबात में कभी हिंदुओं को फॉलो करते हैं, कभी अंग्रेजों को फॉलो करते हैं, कभी किसी तहजीब को ले आते हैं, कभी किसी तहजीब को अपने लिए नमूना बना लेते हैं, उन सब के लिए दावत फिक्र है मोहब्बत के साथ, दावत फिक्र है मोहब्बत के साथ। अल्लाह ने फरमाया उस्वा हसना, मेरे महबूब के तरीके पे चलना जो है, मेरे महबूब का तरीका जो है वो उस्वा हसना है। क्या मतलब, जब तुम मेरे महबूब के तरीके पे चलोगे ना, जब तुम मेरे महबूब के तरीके पे चलोगे तो सोने लगोगे। मैं इससे अच्छा तर्जमा शायद ना कर सकूं, जब तुम मेरे महबूब की सुन्नत पे अमल करोगे, जब मेरे महबूब की सुन्नत और मेरे महबूब के उस्वा और सुन्नतों के दायरे में आ जाओगे तो फिर उदे ते अमल कर दे सोने लग सो, चंगे लग सो, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, कोई तुम्हें हकारत की नजर से नहीं देखेगा, जब तुम मेरे महबूब की, क्या मतलब, मेरे महबूब के उस्वा में हुस्न है, मेरे महबूब के उस्वा में हुस्न है, समझ आ गई, मेरे महबूब के उस्वा में इतनी खूबसूरती है, इतनी जाज़बियत है, इतनी अट्रैक्शन है कि जब तुम उसे अपना लोगे ना, मैं इससे बड़ी को बात नहीं कर सकता। तवज्जो है, वो बात ये है कि जब तुम मेरे महबूब के उस्वा पे अमल करोगे ना, तो आम तौर पे जब किसी को कॉपी करते हैं ना तो इसलिए करते हैं कि मैं दूसरों को अच्छा लगूं, मेरे महबूब के उस्वा पर अमल
करने का हुसन ये है कि तू दूसरों को तो अच्छा लगेगा ही सही, तन तेरा आप अपने आप में भी सोना लगना शुरू कर दे। तुझे अपना आप अपने मन में अपने आप में भी तुझे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब? मेरे महबूब के उस्वा पे अमल करना तुझे लोगों की नजरों में भी मुअज्जज़ करेगा, तुझे अपनी नजरों में भी मुअज्जज़ करेगा, तुझे लोगों की नजरों में भी महबूब करेगा, तुझे अपनी नजरों में भी महबूब करेगा। यही वजह है कि अव्वल और आखिर इब्तिदा का इंतहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फैसला अटल करके इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए, उम्मत दावत, उम्मत इजाबत सब के लिए ये ऐलान कर दिया कि अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, अगर राहत चाहते हो, अगर इत्मीनान चाहते हो, अगर जाहिर का हुसन चाहते हो, अगर बातिन का हुसन चाहते हो, अगर बाहर की खूबसूरती चाहते हो, अगर अंदर की खूबसूरती चाहते हो, अगर अपना ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत जोड़ना चाहते हो, रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है और वो रास्ता है मुस्तफा का। जात एक ही है, वो जात है मुस्तफा की। दर एक ही है, वो दर है मुस्तफा का। घर एक ही है, घर है मुस्तफा का। निस्बत एक ही है, निस्बत है मुस्तफा की। गुलामी वाली जगह एक ही है और वो है गुंबद खजरा के मके। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत का पैगाम ये है कि अपने सर से लेके पांव तक, सुबह से लेके शाम तक, सोने से लेके जागने तक एक दफ़ा ज़रा अपने हर एक्ट अपने हर अमल को टेस्टर लगा ले, टेस्टर लगा ले, चेक कर ले और ख़ुद देख ले कि तेरी ज़ात में, तेरी सिफात में, तेरे जाहिर में, तेरी बातन में हुजूर की सूरत और सीरत का अक्स कितना है। हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत और सीरत के साथ तू मुतमस्सिक कितना है। बस जितना तू उनसे जुड़ता चला जाएगा, उनसे तू जितना जुड़ता चला जाएगा तू रब से भी उतना ही जुड़ता चला जाएगा। तू जितना आगे बढ़ता चला जाएगा रब उतना ही तेरे करीब होता चला जाएगा। दुनिया की इज्जतें भी तेरे लिए, कब्र की राहतें भी तेरे लिए, हशर की आसानियां भी तेरे लिए, रब की रहमतें भी तेरे लिए, दोनों जहान की इज्जतों के दरवाजे भी तेरे लिए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى،
اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والاعلان فان التقوى صنم در الايمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه اكرم الصلاه واتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.